तो क्लास फर्स्ट ईयर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कोनिक सेक्शन। बच्चों कोनिक सेक्शन हम लोग को स्टार्ट करना है, जिसको बोलते हैं शंकु परिच्छेद। तो शंकु परिच्छेद में सबसे पहला टॉपिक है वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक बहुत ही नॉर्मल सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में वृत्त के केंद्र 0,0 होते हैं और त्रिज्या आर होती है। ऐसे ही एक वृत्त का समीकरण ये भी होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सेंटर इसके एच और के लिए जाते हैं। देखिए माइनस का एच माइनस का के है, तो जस्ट अपोजिट लिए जाएंगे एच और के, त्रिज्या आर ली जाती है। ऐसे ही वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र एक्स अक्ष पर हों, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सेस। लाई कर रहे हो कहाँ पर, एक्स एक्सेस में। तो देखिए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एक्स एक्सेस में लाई कर रहा है, इसलिए एक्स पे दूरी होगी एच पर जीरो होगी। तो सेंटर इसके होंगे एच कॉमा जीरो, रेडियस एच हो जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सेस पे एच दिख रहा है इसलिए रेडियस भी एच ही होगी। ठीक, ऐसे ही वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र वाई एक्सेस पर हो, मीन्स इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस की बात कर रहा है, तो एक्स के साथ बड़ा जीरो होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर के है तो के स्क्वायर, मीन्स इसके सेंटर 0,k होंगे और रेडियस k होगी। वृत्त का व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, जिसके सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ बोले जाते हैं, और त्रिज्या का फार्मूला आर बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बोला जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चंस की बात करें, देखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र सेंटर 0,2 है और रेडियस 2 दी गई है। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का समीकरण इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सेंटर 0,2 है, मीन्स ये एच है और ये के है, और रेडियस आपको 2 दी गई है। तो एक्स माइनस एच की जगह 0 रख दीजिए प्लस वाई माइनस के की जगह आप 2 रख दीजिए, होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर माइनस 2,3 एंड रेडियस 4। उसके सेंटर माइनस 2,3 दिया गया और रेडियस 4 दी गई है, मीन सेंटर 2,3 एच और के दिए गए, रेडियस 4 हम आर की वैल्यू माइनस 4 दी गई। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मीन्स एक्स माइनस एच की जगह माइनस 2 तो प्लस 2 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 3 की जगह 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 16। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, तो 9, 4, 13 16 इधर आया, माइनस 16 बराबर 0, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0 आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से हमसे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए विद सेंटर आपको ये दिए गए और रेडियस 1/12 दी गई। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एच की जगह 1/2 का स्क्वायर, के की जगह 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/12 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाएंगे बराबर 1/12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पर एलसीएम 4 आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का यहाँ 4x 4y स्क्वायर 4 आ जाएगा माइनस का 2y बराबर 1/144। 4 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 से काटा 72, 2 से काटा 36 आ गया। तो 36 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 144x स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 144x प्लस 144y स्क्वायर प्लस 144 माइनस 72 बराबर 1, तो 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 144x माइनस 72y 36 प्लस 144 और माइनस 1 करेंगे तो 179=0 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसी में बोला है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल इक्वेशन दी गई है, इसके मुझे सेंटर और रेडियस बच्चों हमें निकालना है, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। तो सेंटर और रेडियस हमें निकालना है, तो ये जो इक्वेशन दी गई है इसका कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से कराएंगे बराबर 0 से। तो ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, 2g की वैल्यू 4 दिख रही होगी माइनस की, 2f की वैल्यू माइनस 8 दिख रही है और c की वैल्यू माइनस 45 दिख रही है। तो यहाँ से g की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, f की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी। तो रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी,
तो जी की जगह माइनस टू का स्क्वायर फोर, एफ की जगह माइनस चार का स्क्वायर सोलह और सी की जगह माइनस प्लस 45। तो अंडर रूट 65 इसकी रेडियस हो गई। सेंटर का फार्मूला जानते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो ब्रैकेट में माइनस जी की जगह माइनस टू है और माइनस एफ की जगह माइनस फोर है, तो 2.4 आपके सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर और 36। तो ये जो इक्वेशन है इसका कंपेयर अगर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से करा, तो माइनस एच बराबर है 5 के, माइनस के बराबर है माइनस 3 के और आर स्क्वायर बराबर है 36 के, तो एच माइनस 5 आ जाएगा, के आपका 3 आ जाएगा और रेडियस कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे सेंटर बन जाएंगे वो माइनस एच कॉमा के होते हैं, एच कॉमा के होते हैं, क्या होते हैं, एच कॉमा के, तो हमारे सेंटर बन जाएंगे माइनस 5.3 और रेडियस आपकी क्या बन जाएगी 6। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस लगाएं आप। और एक क्वेश्चन और है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x बराबर 0। तो इसका कंपेयर x स्क्वायर, पहले तो दो से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2, y नहीं है तो 0y अपॉन 2 और c भी नहीं है तो 0 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस हाफ x प्लस 0/2y प्लस 0 बराबर 0। इसका कंपेयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से कराएंगे, तो x का कोफिशिएंट 2g है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1/2 है, y का कोफिशिएंट 2f है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पर c की वैल्यू 0 है, तो g बराबर -1/4, f बराबर 0 और c तो 0 है ही। सेंटर की बात करें, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होते हैं, तो माइनस जी की वैल्यू 1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉमा एफ की वैल्यू 0। रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी की जगह 1/4 का स्क्वायर मीन्स 1/16, एफ की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू भी 0 है, तो अंडर रूट 1/16 मीन्स रेडियस आपकी 1/4 हो जाएगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन लगाएं, जो भी आपको दिक्कतें होती हैं आप दिक्कतें जरूर पूछें। धन्यवाद।